देश के अलग अलग इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से यमुना में, दिल्ली का जो यमुना है इसमें 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है और अब यमुना का जल स्तर उफान मार रहा है। इस वक्त अगर तस्वीरें देखें तो यमुना के रौद्र रूप की तस्वीरें और अब यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। कुछ देर पहले यमुना का जल स्तर जहाँ 2.10 था वहीं अब यमुना का जल स्तर 205.40 है जो कि खतरे के निशान को पकड़ चुका है क्योंकि खतरे का निशान 205.33 है और अब यमुना का स्तर डेंजर जोन में जा रहा है। आप जरा देखें तस्वीरें तो मैं इस वक्त जहां खड़ी हूं ये पूरा जो इलाका है वो भी अब पानी में डूब चुका है और जरा बहाव देखिए यहां पर जहां मैं खड़ी हूं केवल ये जो थोड़ा सा हिस्सा है वो बचा है बाकी पूरा का पूरा एरिया है पानी में डूबा और बहाव इतनी ज्यादा तेज है कि यकीनन देखने लायक है। और सामने मीटर भी बना हुआ है जिससे ये बात साफ पता चलता है कि यमुना की जो लाल निशान बनाया गया था यानी कि डेंजर जोन खतरे का निशान उससे जल स्तर यमुना का पार कर चुका और कितनी ज्यादा तेज पानी की धार है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। कुछ भी बहा ले जाने को पानी ये तैयार हो चुके हैं। अब सामने की तस्वीरें देखें तो मैं आपको लोहा पुल के नीचे से यमुना की तस्वीरें दिखा रही हूँ। कुछ देर पहले तक पानी काफी दूर था, हम आगे तक जा पा रहे थे लेकिन अब महज 2 घंटे के वक्त में पानी यहाँ तक पहुंच चुका है। कुछ देर पहले की तस्वीरें बिल्कुल दूर तक यहाँ से तकरीबन 20-30 मीटर आगे तक जाना पॉसिबल था लेकिन अब तस्वीरें देखने लायक है क्योंकि पानी यहाँ तक घुटनों तक पानी इसके थोड़ा से आगे आने लगा। और अब सामने तस्वीरें अगर देखिए तो ये जो लोग हैं जो कुछ देर पहले तक नीचे थे अब वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुए हैं, अपना सामान को लेकर, अपना टेंट को लेकर ऊपर गए हैं लेकिन ये जगह भी कितनी देर तक सुरक्षित रहेगी, कितनी देर तक यहाँ पानी नहीं पहुँचेगा ये सवाल है क्योंकि जिस तरीके से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है ऐसे में ये जो ऊंचा स्थान है ये भी बहुत देर तक सुरक्षित नहीं माना जा सकता। प्रशासन लगातार चौकन्नी है, लगातार लोगों को यहाँ से निकाल रही है और तकरीबन 40,000 लोगों को यहाँ से निकाल करके ऊंचे स्थान में ले जाया जा रहा है और लगातार प्रशासन अलर्ट दे रही है कि आप इस स्थान को छोड़ें, यहाँ जो लोग रह रहे थे, जो लोग यहाँ पर रहते थे टेंट लगाकर अपना सामान के साथ उनको हटाया जा रहा है क्योंकि ये एरिया यानी कि यमुना का ये इलाका बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ये लोहे पुल का नीचे का इलाका जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ कुछ लोग भी हैं, अगर आप इस तरफ की तस्वीरें देखिए तो यहाँ पर लोग भी हैं जो इस वक्त भी यहाँ पर रहते हैं और उनके सामान टेंट वगैरह। तो ऐसे में यमुना का जलस्तर जिस तेजी से बढ़ रहा है और हथनी कुंड बैराज का पानी जिस तरीके से छोड़ा जा रहा है ऐसे में दिल्ली में बाढ़ तक की स्थिति बन सकती है और ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। यानी कि ये बात कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले 1-2 दिन भी जब तक दिल्ली में पानी थम नहीं जाती, बरसात रुक नहीं जाती तब तक दिल्ली वालों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं लेंगी। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ मेघा उपाध्याय, ABP News, दिल्ली।